औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह के नए बयान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आज भी वही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये मेरी वीडियो जो मैं इंट्रो देता हूँ, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, लाजमी नहीं है आप इसको सुने, मेरी मजबूरी है। चूँकि कॉपीराइट का इशू हो जाता है, इसलिए मुझे ये इंट्रो देना लाजमी है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आइए चलते हैं डॉक्टर साहब के बयान की तरफ। और इस वीडियो को ज़्यादा सा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकअल्लाह। ये हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद से है रज़ी अल्लाह ताला, ये भी मुस्लिम शरीफ की रिवायत। हुज़ूर फरमाते हैं, मा बअसल्लाहु मिन नबीयिन फी उम्मतिही क़ब्ली इल्ला कान लहू हवारियून व असहाबुन। अल्लाह ने मुझसे पहले किसी भी उम्मत में किसी नबी को नहीं भेजा मगर उसके कुछ न कुछ हवारी, कुछ न कुछ असहाब तो होते थे ना, दो हो, चार हो, दस हो, बारह हो। हजरत ईसा के हवारी बारह थे, ईमान लाने वाले कुल कहते हैं 72 थे। बहर कुछ न कुछ साथी हवारी यू न असहाब, या खुजू न बे सुन्नते ही या कदू न बे अम्र ही। वो क्या करते थे वो हवारी और साहबा? अपने नबी की सुन्नत को मजबूती से पकड़ लेते थे और उन्हीं के अहकाम की पैरवी करते थे। यक्तदून अब अम्र ही, इक्तदा करते थे, पैरवी करते थे। सुम्मा इन्नहा तखलुफु मिन बादिहिम खुलूफुन, फिर हमेशा ऐसा हुआ है कि बाद में कुछ ऐसे नाखलफ उठे। यफालूना यकूलून माला यफालून व यफालून माला युमरून, के वो कहते वो थे जो करते नहीं थे और करते वो थे जिसका हुक्म ही नहीं हुआ। उर्स मनाए जा रहे हैं, ये कोई अल्लाह के रसूल का हुक्म है? क्या रसूल के सहाबा का अमल है? क्या हुजूर का उर्स मनाया गया? ईद मिलादुन नबी एक नई ईद हो गई है, क्या इसका हुक्म दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने? यफअलूना माला युमरून, वो अपनी ही जात करना रिवायात है, अपनी ही जात करना बिदआत है, अपनी ही जात करना रसूमात है, उन पर लगे हुए हैं और दावे करते हैं अल्लाह से मोहब्बत रसूल के इश्क के, जबकि उनके अमल में न अल्लाह की इताअत है न रसूल का इत्तेबा है। अब जब ऐसी सूरत पैदा हो जाए तो क्या करें? फमन जाहदहुम बियदिही फहुवा मोमिनुन, तो जो मुसलमान भी उनके खिलाफ जिहाद करेगा अपने हाथ से अपनी ताकत से वो मोमिन होगा। फमन जाहदहुम बिलिसानिही फहुवा मोमिनुन, और जो उनके खिलाफ जिहाद करेगा अपनी जबान से वो भी मोमिन होगा। वही तीन दर्जे। वमन जाहदहुम बिकल्ब ही फहुवा मोमिनुन, दिल से नफरत रखकर जो जिहाद करेगा बिलकल्ब वो भी मोमिन होगा। फमा वरा ज़ालिका मिनल ईमान हब्बतु खरदल, इसके बाद तो ईमान राई के दाने के बराबर भी नहीं है।